देखिए सातवें स्कंद में भगवान के निष्काम भक्त प्रहलाद की कथा है। जब भगवान ने वराह अवतार ले करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्यकश्यप उसका भाई है, उसको इतना क्रोध आया कि उसने बदला लेने के लिए, अमर होने के लिए तपस्या करना शुरू कर दिया। यानी कि अमर होने के लिए तपस्या की कि भगवान से बदला ले सके, क्योंकि उसने सोचा कि हमारे पास तो इतनी पावर नहीं है और ये विष्णु इतना शक्तिशाली है, इससे मैं नहीं जीत सकता। तो उसने अमर होने के लिए तपस्या की, मंदराचल की घाटी में जा करके एक अंगूठे के बल पर खड़े हो करके आकाश की ओर देखते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठा करके उसने कई हजार वर्ष तक तप किया। इतना तप किया कि उसके शरीर से चींटियों ने सारा मांस और खून चाट लिया, केवल हड्डियों के सहारे उसके प्राण जीवित थे। इतना तप किया और उसके तप की अग्नि से त्रैलोक्य जलने लगा। सब देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी आए हिरण्यकश्यप के पास। तो देखिए उसने वरदान तो अमर होने के लिए तपस्या की थी, लेकिन जब वो वरदान मांगने लगा ब्रह्मा जी से तो उसने कहा, देखिए हम लोग भी भगवान के पास मांगने जाते हैं मंदिर वगैरह में, हमें यही नहीं पता है कि भगवान से मांगना क्या चाहिए। हम भगवान से संसार मांगने जाते हैं। अरे भगवान दिव्य पर्सनैलिटी है, तो वो दिव्य पर्सनैलिटी है तो वो दिव्य ही सामान देगा, और हम उससे माइक संसार मांगने जाते हैं। अरे माइक वस्तु मांगना है तो संसार वालों से मांगो, क्योंकि उनके पास माइक वस्तु है। लेकिन भगवान दिव्य है, वो जो भी देगा दिव्य देगा, और दिव्य चीज जब मिल जाएगी तो सांसारिक वस्तु की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो जब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा तो उसने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमें ऐसा वरदान दो, वो ये कहना ही भूल गया कि हमें अमर कर दो। अरे सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, भगवान ने बुद्धि उभा दी। मैंने बताया था आपको, एको देवा सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, कि प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान बैठे हैं, प्रत्येक आइडियाज को नोट कर रहे हैं, हमारे आइडियाज को नोट करके हमें फल देते हैं। तो भगवान ने हृदय में बैठ करके उसकी चाबी घुमा दी। तो उसने क्या वरदान मांगा कि आपके बनाए हुए, यानी कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि के किसी भी जीव से उसकी मृत्यु ना हो, ना मनुष्य से हो ना राक्षस से हो, ना पशु से हो ना पक्षी से हो, ना अस्त्र से हो ना शस्त्र से हो, ना घर के भीतर हो ना घर के बाहर हो, ना दिन में हो ना रात्रि में हो, ना पृथ्वी पर हो ना आकाश में हो। इतने सारे वरदान मांग लिए। उसको लगा यही सब तो होता है। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु।
भगवान ने कहा मांग ले तुझे तो मारने के लिए हम दूसरी तरकीब निकाल लेंगे। और जब उसको वरदान मिल गया तो अब तो वो और दुष्टता देने लगा, इंद्र पर चढ़ाई कर दी स्वर्ग पर, सारे देवी देवता भाग गए और वहां पर उसने राज्य कर लिया। उसके पश्चात प्रहलाद जी का जन्म हुआ। कुछ बड़े हुए तो जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ बड़े हुए तो हिरण्यकश्यप ने साम दाम दंड आदि की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। और जब ये सब शिक्षा दी उसके पश्चात प्रहलाद से पूछा कि पुत्र तुम्हें इन जो भी शिक्षा मिली है उसमें तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? ध्यान दीजिए। तो प्रहलाद ने उससे कहा श्रवणं कीर्तनं विष्णु अर्चनं पाद सेवनं श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्म निवेदनं। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो नौ प्रकार से भगवान की भक्ति करे, भगवान की कथा को सुने, कीर्तन करे, स्मरण करे, उनकी वंदना अर्चना करे, पूजा करे। ये नौ प्रकार से भगवान की भक्ति प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, तभी उसका कल्याण निश्चित है। अगर वो भक्ति नहीं करता भगवान की तो उसको अनंत काल तक 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो जैसे ही प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति के विषय में प्रहलाद जी के श्री मुख से हिरण्यकश्यप ने सुना, आग बबूला हो गया और क्रोध से गुरु पुत्रों को आदेश दिया कि लगता है इसको कोई विष्णु दूत इसको सिखा रहे हैं, गलत शिक्षा दे रहे हैं। पश्चात उन्होंने जो शुक्राचार्य के पुत्र हैं शंड और अर्मक उनको बुलाया, उनसे कहा कि इसको सही शिक्षा दीक्षा दो। तो वो उसको ले गए अपने घर और वहां पर साम दाम आदि की शिक्षा दी। तो देखिए प्रहलाद को जैसा पढ़ाया जाता था वो वैसा ही पढ़ करके सुना दिया करते थे, लेकिन उसको ग्रहण नहीं करते थे। शिक्षा तो लेते थे बिल्कुल वैसा वैसा ही गुरुजी को सुना दिया करते थे, लेकिन ग्रहण नहीं करते थे। जब उन्होंने साम दाम दंड आदि की शिक्षा सीख ली, धर्म अर्थ काम की शिक्षा सीख ली, तो गुरु पुत्र उनकी माँ के पास लेकर के गए। उन्होंने नहलाया धुलाया तैयार किया, पश्चात हिरण्यकश्यप के पास लेकर के गए। और जब वहां लेकर के गए तो हिरण्यकश्यप ने बड़े प्रेम से अपनी गोद में प्रहलाद को बिठाया और बैठा करके उनसे प्रश्न किया कि पुत्र तुमने गुरु के यहां जाकर के कौन सी शिक्षा ग्रहण की? तो प्रहलाद जी कहते हैं नई सामति स्वावद्रुक्रमांघ्री स्पृशत नर्था पगमो यदर्था मही साम संसार का प्रत्येक जीव पिसे हुए को चबा रहा है, यानी खाए हुए भोजन को ग्रहण कर रहा है।
यानी कि भोगे हुए विषयों को बार बार भोग रहा है। अनंत काल से हम इसी संसार को भोग रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो केवल एकमात्र श्री हरि की भक्ति करे, इन संसार में इन विषयों से अनासक्त होकर के। उसी चबाए हुए भोजन को फिर चबा रहा है, यानी कि विषय भोगे हुए विषयों को फिर से भोग रहा है, लेकिन तृप्त नहीं हो रहा है। और मिल जाए, और मिल जाए तो हमें आनंद मिल जाएगा। अरे हमने पहले भी बताया है कि आनंद जितनी हम कामना बनाएंगे उतनी ही हमारी ये कामनाएं बढ़ती चली जाएंगी। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येष्टिरिष्टता अथ मर्त्यो मृत्यु भवत् तत्र ब्रह्म समश्नुते। अगर कोई इन कामनाओं को छोड़ दे तो वो ब्रह्म बन जाए, भगवान बन जाए। लेकिन हम दिन पे दिन निरंतर नई नई कामनाएं बनाते चले जा रहे हैं, उन कामनाओं का एंड नहीं है। हविषा कृष्ण वर्त में वो भूय एवा भी वर्धते, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येष्टिरिष्टता। तो जितनी भी हम कामनाएं बनाते हैं तो जितनी कामनाएं हमारी पूरी होती जाती हैं उतनी ही आगे की कामना बढ़ती जाती है। हविषा कृष्ण वर्त में वो, जैसे कि हम अग्नि में घी डालते हैं और वो प्रज्वलित हो जाती है, भूय एवा विवर्धिते और प्रचंड हो जाती है। तो जब हमारी कामनाएं पूरी होती हैं तो हमें लगता है कि हमारी कामनाएं समाप्त हो रही है। कामनाएं समाप्त नहीं होती, कामनाएं बढ़ती जाती हैं। एक कामना पूरी हुई तो दूसरी कामना बन गई। आज ये मिल जाए, कल वो मिल जाए, परसों वो मिल जाए, आज 10 लाख मिल जाए वो मिल गया, कल 50 लाख मिल जाए वो भी मिल गया, अब 1 करोड़ हो जाए। तो कामनाएं तो हमारी बढ़ती चली जाती है, समाप्त नहीं होती। तो इसलिए कामनाओं का अंत नहीं है। तो कामना हमें नहीं बनाना है, कामना बनाना है तो केवल भगवान की कामना बनाना है। ये संसार की कामना बनाते 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 हमने अनंत जन्म बर्बाद कर दिए, लेकिन हमारी कामना अभी तक समाप्त नहीं हुई। जैसे हनुमान और सुरसा का युद्ध होता, जस जस सुरसा वदन बढ़ाया, तासुदून कपि रूप दिखाया। जैसे जैसे सुरसा अपना वदन बढ़ा रही थी, अपना शरीर बढ़ा रही थी, वैसे वैसे ही हनुमान जी अपने आप को बड़ा करते जा रहे थे। वो अपना मुख बढ़ा रही थी और हनुमान जी अपने शरीर को बड़ा करते जा रहे थे। तो ऐसे ही ये कामनाएं हैं, जितनी हम सोचते हैं आज हमें इस कामना की पूर्ति हुई तो कल दूसरी कामना नहीं बनेगी, तुरंत दूसरी कामना बनेगी। आप लोग जानते हैं, संसार में रहते हैं, रोज नई नई कामनाएं बनाते हैं। आज इससे सुख मिल जाएगा, कल उससे सुख मिल जाएगा, लेकिन अभी तक अनंत जन्म बीत गए, हमें सुख नहीं मिला। क्योंकि जहां हमने कामना बनाई है वो जगह गलत है। हमने माइक कामना बनाई है, जिस दिन हम भगवान की कामना बना लेंगे तो वो सुख हमें सदा सदा के लिए एक बार मिल गया तो कभी छीना नहीं करता। यो वही भूमा तत् सुखम, वो भूमा है, एक बार मिलने के पश्चात कभी समाप्त नहीं होता।
संसार का सुख समाप्त होता जाता है। आज किसी वस्तु से सुख मिला, उसी वस्तु से कल दुख मिलने लगेगा। लेकिन अगर भगवान का सुख एक बार मिल गया, एक बार वो प्राप्त हो गया, तो उसके पश्चात कभी भी दुख नहीं मिल सकता। तो प्रहलाद ने कहा कि सब चबे हुए विषय को, भोगे हुए विषय को भोग रहे हैं, लेकिन तृप्ति नहीं हुई है। इसलिए प्रत्येक जीव को ये चाहिए कि वो इन संसार को छोड़ करके केवल एकमात्र भगवान की भक्ति करे, बस तभी उसका कल्याण होगा। तो जैसे ही हिरण्यकश्यप ने ये सुना, अब तो पहले तो थोड़ा सा मुस्कुराया ठहाका मार करके, लेकिन एक ही क्षण में उसको गोद से उतार दिया। और गोद से जैसे ही उतारा, गुरु शिष्यों को आदेश दिया, गुरु शिष्य थर थर कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु हम नहीं जानते इसकी बुद्धि कहाँ से आई है, इसकी तो ये बाल्यकाल से ही बुद्धि है। हम इसको पाठशाला ले जाते हैं, पाठशाला ले जाएंगे तो गुरुजनों की सेवा करेगा तो इसकी बुद्धि शुद्ध होएगी, इसकी बुद्धि बदलेगी। तो देखिए, उसके पश्चात पाठशाला ले गए। पाठशाला ले जा करके वहां पर भी उनका मन नहीं लगा। जब मन नहीं लगा तो एक बार गुरु पुत्र शंड और अर्मक किसी काम से बाहर चले गए। और जब बाहर गए तो प्रहलाद ने अपनी उम्र के बालकों को उपदेश दिया। वो उपदेश हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या उपदेश दिया? कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह। दुर्लभो मानुषो जन्म तदप्य ध्रुवमर्थनम्। कौमार अवस्था में ही भगवान की भक्ति में लग जाओ, पता नहीं कि ये युवावस्था आए कि ना आए। यानी कि बाल्यकाल से ही भगवान की भक्ति में लग जाओ। कोई ये सोचे कि अरे अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो हमने संसार नहीं भोगा है, जब बूढ़े होंगे तब कर लेंगे। अरे बूढ़े होंगे तो इतना ये तो जरूरी नहीं है कि हमारी उम्र उतने उम्र तक जाए, हम 100 साल तक जीवित रहें। अरे प्रतिक्षण जीव मर रहे हैं, पता नहीं हम कब समाप्त हो जाए। कल का भरोसा नहीं, कल Thank you.
जीवन आयु की आयु जो है वो बुलबुले के समान है पानी के। हम लोग देखते हैं कि पानी में बुलबुला उठता है, लेकिन वो कब फूट जाए ये हमें पता नहीं रहता। ऐसे ही हमारी मृत्यु हमारी उम्र है कि पता नहीं ये हमारा जीवन कब समाप्त हो जाए। क्षण भंगुर है, क्या पता कब समाप्त हो जाए। इसलिए भगवान नाम ले लीजिए, अपना कल्याण कर लीजिए। एक पल का भी भरोसा नहीं है। हम ये सोचे कि हमारा बड़ा जीवन है, बहुत उम्र तक हम जिएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा है कि बाल्यकाल से भी भगवान की भक्ति में लग जाओ, क्या पता युवावस्था आए कि ना आए। बाल्यकाल में खेलने कूदने में उम्र चली जाती है, उसके पश्चात शादी ब्याह करते हैं, संसार का विषय भोग करते हैं, उसमें जीवन चला जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। और बुढ़ापे में तो जब हरे राम कहेंगे तो हरे राम की जगह हरे दर्द निकलेगा, क्योंकि ये इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। कोई ना कोई बीमारी सबको लग जाती है बुढ़ापे में, शरीर कमजोर हो जाता है। अभी नहीं कर पाए तो तब क्या कर पाएंगे। मान लो हम जीवित भी रहे तो हमारा शरीर साथ देगा, इसकी क्या गारंटी है। तो इसलिए बाल्यकाल से ही भगवान की भक्ति में लग जाओ, क्या पता युवावस्था आए कि ना आए। ये मानव देह तो क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल भात को जाने खिली ना खिली, रट ले री रसना हरि नाम, तू शरीर साथ दिया कि नहीं दिया। इसलिए अभी भी समय है, मरने के एक क्षण पूर्व भी अगर हम ये संकल्प कर लेते हैं कि हमें अपना कल्याण करना है, सही तत्व ज्ञान हो जाए, तो फिर उसने सब कुछ मिल गया। फिर तो अगला जन्म भगवान हमारी मानसिकता के अनुसार दे देंगे, लेकिन अभी हम सोच ही नहीं रहे हैं। अगर कोई भगवत भक्ति में आगे बढ़ता है, छोटा बच्चा, तो लोग उससे कई प्रश्न करते हैं, अरे अभी से भगवान की भक्ति कर रहे हो, बुढ़ापे में करना। अरे बुढ़ापे में जीवन रहेगा जब तो करेंगे। मैंने भी जब घर छोड़ा था तो मैं 19 साल की थी, तो मुझसे भी लोग बहुत प्रश्न करते थे, तो मैं यही जवाब देती थी कि मेरा जीवन रहेगा आगे तब तो मैं भक्ति करूंगी। अरे जीवन ही नहीं रहेगा तो क्या भक्ति करेंगे। और फिर अगर जीवन रहा भी तो शरीर का भरोसा नहीं, हमारे मन का भरोसा नहीं। अगर संसार में हमारा मन चला गया, जितनी कम उम्र रहेगी उतना संसार से अनासक्त रहेगा व्यक्ति, और जितना अधिक संसार में रहेगा उतना ही आसक्त होता जाएगा। और आसक्ति जब बढ़ जाती है तब भगवान में मन नहीं लगता, क्योंकि नाते रिश्तेदार जो होते हैं उनसे हमारा अटैचमेंट हो जाता है। और अटैचमेंट अगर एक बार हो जाता है तो उसको छुड़ाना बहुत अधिक कठिन होता है।
तो इसलिए ये मत सोचो कि हम कर लेंगे, क्या पता हमारा जीवन आए कि ना आए, और अगला जन्म भी हमें मनुष्य का मिलेगा भी नहीं, इसकी क्या गारंटी है। अरे मनुष्य देह बड़ी मुश्किल से मिलता है, आप लोगों को मैंने बताया था कि सर्गेशु लोकेशु शरीरत्वाय कल्पते, कई सर्गों के बाद, कई कल्पों के बाद 4,29,40,80,000 वर्ष का एक सर्ग होता है। तो वेद कहता है सर्गेशु, कई सर्गों के बाद तभी ये मानव देह मिलता है, और इसको हम ऐसे ही गवा रहे हैं। ना स्वः स्वः उपासीत कोई पुरुषस्य सो वेद, पता नहीं हमें अगला क्षण मिले कि ना मिले, इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए। जो निकल गया सो निकल गया, अब जब हमें समझ में आ गया है तो हमें अपने मन को भगवत भक्ति में लगा देना चाहिए। जो बीती बीती अब तो भजू, जो बीती बीती अब तो भजू, राधे राधे मत कीजिए। अब जब हमें समझ में आ गया है तो अपनी बिगड़ी बना लीजिए, अन्यथा हीन तरम वा विशंति कूकर शूकर कीट पतंग आदि योनियों में भटकना पड़ेगा, ये मानव देह भी समाप्त हो जाएगा। तो देखिए प्रहलाद ने उन असुर बालकों को उपदेश दिया कि भगवान तो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, उसको कहीं ढूंढने नहीं जाना है। कोटि प्रयास सुर बाल का हरे रूपासने स्वेरिधि चित्रवत सतह, वो हमारे हृदय में बैठा रिधि चित्रवत सतह, वो हमारे हृदय में समाया हुआ है। या आत्मनि तिष्ठति द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते हुए, तो जब हमारे हृदय में बैठा हुआ है उसको कहीं हमें ढूंढने नहीं जाना है कि किसी मंदिरों में जाओ या वृंदावन में जाओ, अरे वो तो हमारे हृदय में बैठा है। भगवान ने ये शर्त नहीं लगाई है कि हमारे मंदिर में ही आना, हमारे दर्शन करना तभी हम मिलेंगे। अरे जिसकी आंख नहीं है, जिसके पैर नहीं है, वो कहेगा हमारे तो पैर नहीं है, हम तो पंगुले हैं, हम आपके वृंदावन कैसे जाएं? हमारी आंख नहीं है, हम आपके मंदिर जाकर के कैसे दर्शन करें? भले ही हमारे बगल में मंदिर है घर के, तो ये लोग तो हड़ताल कर देते कि हमें फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए, क्योंकि आपने हमें अपाहिज बनाया। तो भगवान ने ये कोई शर्त रखी ही नहीं, भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं और सदा बैठे रहेंगे, किसी भी योनि में जाओ, कूकर शूकर कीट पतंग किसी भी योनि में जाओ, मैं तुम्हारे हृदय में सदा बैठा रहता हूँ। 1/100 सेकंड के लिए भी भगवान पृथक नहीं होते हृदय से। तो जो जब वो सदा हृदय में बैठे रहते हैं
मन से, और मन भगवान ने सबको दिया है, जानवरों को भी दिया है, पशु पक्षियों को भी दिया है, हम मनुष्यों को भी दिया है। केवल एक चीज है जो भगवान ने सबको दी है, मन से भक्ति करना है, और भक्ति करने में कोई नियम भी नहीं है। कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है, कोई भी, चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे मनुष्य हो। पशु पक्षी कीट आदि बोली तेना तारे, सुनी ले हरि नाम तारा जग तरे। गौरांग महाप्रभु जी कहते हैं कि चाहे पशु पक्षी हो चाहे कोई भी हो, सब भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो इसलिए भक्ति में ना कोई नियम है, ना कोई बंधन है, कोई भी भक्ति कर सकता है, कहीं पर भी भक्ति कर सकता है। मैंने आपको अभी बताया कि ना देश नियमस तस्मिन, ना काल नियमस तथा, उसके लिए कोई काल करता मन विधि कुछ भी नहीं है, केवल मन से भक्ति करना है बस, जब तप नियम कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या प्रयास करना है, और वो हमारे हृदय में बैठा है, तो मन से बस चिंतन करना है, स्मरण करना है, बस मन से स्मरण कर लो, और चाहे कुछ करो चाहे मत करो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मन से स्मरण कर लिया, भगवान मिल जाएगा। अरे हमारे यहाँ कई उदाहरण हुए हैं, सूरदास जी की आंखें नहीं थी, उन्होंने भगवत प्राप्ति की। तो मन भगवान ने सबको दिया है। तो जब असुर बालकों को प्रहलाद जी ने ये उपदेश दिया कि भगवान तो हृदय में बैठे हुए हैं, कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, जहां कहीं भी भगवान का नाम ले लो भगवान मिल जाएंगे। तो जब असुर बालकों ने ये उपदेश सुना तो सब मिलकर के भगवान की भक्ति करने लगे और भगवान के नाम का गुणगान करने लगे। आप लोग भी थोड़ी देर नाम संकीर्तन कर लीजिए, क्योंकि प्रहलाद जी असुर बालकों के साथ कर रहे हैं, तो हम लोग भी हरि नाम संकीर्तन कर लेते हैं।